हमारे राजस्थान में गर्मियों के मौसम में इस तरह के छोटे प्याज की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाई जाती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफी तेज गर्मी पड़ती है और कहा जाता है कि तेज गर्मी में प्याज खाने से लू नहीं लगती है। और खाने में ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि देखते ही आपको बना करके खाने का मन करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो जितना छोटी साइज के प्याज लिया है और इसको अच्छे से छील लिया है, छीलने के बाद में धो भी लिया है। इस रेसिपी के लिए आपको छोटी साइज के प्याज ही लेना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने दो मध्यम आकार के प्याज लिए हैं, इसको भी मैंने छील करके धो लिया है। एक बार इसको हम साइड में रख देते हैं और जो छोटे वाले प्याज को हमने छील के रखा है इसके अंदर हम चीरा लगा देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, जिस साइड से जुड़ा हुआ है उस साइड में हमें चीरा नहीं लगाना है, इसके बैक साइड में चीरा लगाना है जिधर हमें इस तरह की रिंग्स दिखती है। और चीरा भी पूरा हमें आर पार नहीं लगाना है, आधा से थोड़ा ज्यादा लगाना है। आप देख पा रहे हैं आधा से थोड़ा ज्यादा चीरा लगाया मैंने, इस तरह से पूरा लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, इतना तक ही हमें चीरा लगाना है। देखिए तो यहाँ तक मैंने चीरा लगाया। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ, इस तरह से प्याज को हमेशा उल्टा करने के बाद में चीरा लगा दें। इस तरह चीरा लगाएंगे तो रेसिपी आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। इस तरह से सभी प्याज के ऊपर मैंने चीरा लगा दिया। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर जो हमने दो प्याज लिए थे उसको हम काट लेंगे। तो आप चाहे तो महीन महीन हाथ से भी काट सकते हैं या चॉपर में भी डाल सकते हैं, जिसे महीन महीन कट जाएंगे। दोनों प्याज को मैंने चॉपर में डाल दिए। तो आप देख पा रहे प्याज हमारे अच्छे से कट गए। इसी तरह से प्याज हमें काट करके तैयार कर, अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून जितनी इमली ली है। गर्मियों के मौसम में हमारे राजस्थान में इमली की एक और रेसिपी बनती है, उसे हम राजस्थानी भाषा में अमलवाणी बोलते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और वो खाने से गर्मियों में लू नहीं लगती है। यदि वो आपको सीखना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, मैं आपके साथ में वो रेसिपी भी जरूर शेयर करूंगी। अब इस इमली को हम एक बाउल के अंदर डाल देते हैं और इसे भिगाने के लिए इसमें गर्म पानी डाल देते हैं जिससे इमली जल्दी भीग जाएगी। इस तरह से मैंने इसमें लगभग आधा कप जितना पानी डाल दिया है। यदि आपको थोड़ी देर के बाद में यूज करना है तो आप इसे ठंडे पानी में भिगा के रख सकते हैं, तो आधा घंटे में इमली अच्छे से भीग जाती है। मुझे अभी अर्जेंट यूज करना है इसीलिए मैं गर्म पानी में भिगा रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक और बाउल लिया है, इसमें हम एक टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। और दो टीस्पून जितना धनिया का पाउडर डाल देते हैं, आधा टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1.5 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। इसमें मसाले हमारे को बेसिक ही डालना है, पर प्रोपोर्शन बराबर डालेंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। अब इस मसाले के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे। इस तरह से करके रखने से सूखे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पानी डालते ही मसाले फूल गए। थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख देंगे तो बहुत ही अच्छे फूल जाएंगे, फिर इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी इसे भी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है और तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने साबुत प्याज लिए हैं। यदि आपके पास साबुत प्याज नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, बड़े वाले प्याज हो तो उसको भी आप छील करके 4 टुकड़ों में काट लें, उसके भी आप रेसिपी आराम से बना सकते हैं। जरूर नहीं छोटे प्याज खरीदने के लिए आप मार्केट जाएं, क्योंकि तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इन सभी प्याज को इसमें डाल देते हैं। प्याज को इसमें हल्का सा पका लें। ये रेसिपी गर्मियों के मौसम में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और मेरी मम्मी तो सप्ते में 2-3 बार जरूर बनाती थी। इस तरह से प्याज को मैंने 3.5-4 मिनट तक पका लिया है। प्याज के देखिए इधर से मुंह खुलने लग गए, इस तरह से मुंह खुलने लग जाते हैं। उसके बाद में हमें गैस बंद करने लगे और इसको हम बाउल में निकाल लें। आप देख पा रहे हैं प्याज को मैंने पूरी तरह से नहीं पकाया है, हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट दिखने लग जाए उतना ही पकाया है। इस तरह के प्याज का मिठास इसमें बरकरार रहता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी जो तेल इसमें बच गया है उसको हम निकाल लेंगे, इतना सारा तेल का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तेल दूसरी सब्जियों में भी आप यूज करेंगे तो उसमें फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। लगभग मैंने 2 टेबल स्पून जितना तेल इसमें बचा लिया है। अभी इसी तेल में हम आगे की रेसिपी बना लेंगे। तो गैस को चालू कर देते हैं, आँच को हम मध्यम कर लेंगे, ज्यादा तेज आँच में नहीं करें। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देंगे और इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना सौंफ डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच जितना ही कलौंजी डाल दें। इन सभी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और 7-8 कड़ी पत्ते डाल देते हैं और सभी को अच्छे से पका लेते हैं। अभी 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें हींग डाल देते हैं। यदि आपके हींग स्ट्रांग हो तो थोड़ा कम डालें। सभी चीज़ें आप देख पा रहे हैं अच्छे से पक गई है, इस तरह से पक जाती है। उसके बाद में जो प्याज हमने महीन काट के रखे थे उस प्याज को इसमें डाल देते हैं। ये रेसिपी ऐसी है कि आपको किचन में कम से कम टाइम निकालना पड़ेगा।
क्योंकि गर्मियों के मौसम में किचन में ज्यादा देर रहना अच्छा नहीं लगता है। ये रेसिपी फटाफट बन जाती है। प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाए उतना पका लेना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने लच्छों में काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। इसका लुक भी अच्छा आता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अभी यहाँ पर मैंने 2 फीकी वाली हरी मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आप तीखी वाली लेते हैं तो छोटी होती है वो 2 ले सकते हैं, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, पर इस समय थोड़ा पका लेंगे तो इसका तीखापन और भी कम हो जाएगा। तो प्याज आप देख पा रहे हल्के ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं। प्याज इस तरह से दिखने लग जाए उसके बाद में जो हमने नमक मिर्ची का मसाला बना के रखा था मसाले को इसमें डाल देते हैं। मसाला बहुत अच्छे से फूल गए हैं और मसाले को इसमें अच्छे से पका लेंगे। इस समय सभी मसाले को खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आज की रेसिपी हम अचारी स्टाइल में बना के तैयार कर रहे हैं, इसीलिए इसका फ्लेवर आपको बिल्कुल अलग लगेगा। अभी सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं और इसमें से तेल भी छूट गया है। सिर्फ तेल छूट जाता है तो उसके बाद में ये जो इमली हमने भिगा के रखी थी वो भी अच्छे से भीग गई है। तो इस तरह से मसल लेना है। इसमें कोई गुठली रह गई हो या रेसे रह गए हो तो निकल जाएंगे, इमली का पल्प है पानी में अच्छे से चला जाएगा। इस तरह से मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से इसको इसमें डाल देंगे। मेरी मम्मी हमेशा ऐसे ही करती थी तो मेरी आदत ऐसे ही करने की है, तो इसमें आराम से छन जाता है, जो पीछे कुच्चा है वो रह जाता है। आपके ऐसे हैबिट नहीं है तो आप इसे छान करके भी डाल सकते हैं। प्याज के मिठास के साथ में इमली का खट्टापन है बहुत ही अच्छा लगता है। इमली आप इसमें जरूर डालें। यदि आपके पास इमली नहीं है तो अभी तो मार्केट में कैरी भी बहुत अच्छी मिल रही है, तो कैरी को काट के भी इसमें डाल सकते हैं, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। अभी इसमें उबाल आ गया है, उबाल आने के बाद में जो प्याज को हमने पका के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। वैसे आज की आपको रेसिपी पसंद आती है आप इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे हमें नई नई रेसिपी लाने का प्रोत्साहन मिलता रहता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। अभी आप देख पा रहे सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आँच को मध्यम कर लेंगे। मध्यम आँच में ढक्कन लगा करके इसे हम पका लेंगे, तो 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। इसे मसाले प्याज के अंदर तक अच्छे चले जाएंगे तो खाने में इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी इसे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। 3 से 4 मिनट में आप देख पा रहे हैं सभी प्याज के अंदर मसाला अच्छे से चला गया। आप देख पा रहे रंगत इसकी कितनी अच्छी आई है और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, यदि आपको भूख भी नहीं लगी हो फिर भी आप 2 रोटी ज़्यादा खाएंगे। अभी लास्ट में थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल दें। इस तरह से हमारी ये राजस्थानी स्टाइल में साबुत प्याज की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। मुझे ये सब्जी रोटी के साथ खाना ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को ये चावल के साथ बहुत पसंद है, तो किसी के साथ भी आप खाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।